अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुमैरा है और आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 30 करेंगे। और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। सबसे पहले हम अल्कोहल की नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्कोहल्स जो हैं वो हैं क्या। तो जब आपके पास कोई भी अल्केन मौजूद हो, जैसे ये मैंने यहाँ पर सिंपलेस्ट अल्केन लिखा है मीथेन, जब हम इसकी हाइड्रोजन को रिमूव करके उसमें OH को ऐड करते हैं तो ये अल्काइल अल्कोहल बनता है। जैसे अगर ये मीथेन थी तो मीथेन से हाइड्रोजन निकला, OH ऐड हुआ तो ये बन गया मीथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब जब आप इसका नेम लिखते हैं ना तो अल्केन के E को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम OL डाल देते हैं तो ये अल्कोहल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये OH जो कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ये जब एक कार्बन के साथ अटैच हो और वो आगे से किसी और के साथ अटैच ना हो, जैसे इस केस में, तो भी हम इसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। और अगर ये आगे से किसी एक कार्बन के साथ अटैच हो तो हम इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, और अगर OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उस पर हम स्टार बना लेते हैं, फिर हमें आसानी रहती है, वो आगे से फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच हो तो वो सेकेंडरी कार्बन बन जाता है। ठीक है, और फिर उस अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। और अगर OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, जिस पर मैंने स्टार लगाया है, वो आगे से तीन कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है, तो उसको हम टर्शरी कार्बन बोलते हैं और वो जो अल्कोहल बनता है हमारे पास फिर वो टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो R है ना, ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसमें कार्बन होती है, इस वजह से आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे कार्बन नहीं मैम ने लिखा हुआ। बेसिकली अल्काइल ग्रुप में कार्बन ही होता है, वो छोटा ग्रुप भी हो सकता है, वो बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। आपका कंसर्न सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। अब ये अगर बड़ा है तो नेक्स्ट वाले पे हम मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये बता दिया कि अल्कोहल्स होते क्या हैं और इनकी टाइप्स कितनी हैं। तीन टाइप्स आ गई, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। अब हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। अल्कोहल्स को हम कॉमन और IUPAC दोनों सिस्टम्स के अकॉर्डिंग नेम देते हैं और यूँ हमने यहाँ पैरेलल लिख लिया इसको। सबसे पहली बात, यहाँ पे ये जो CH3OH है, ठीक है, ये सिंपलेस्ट अल्कोहल है। जब हमने कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको नेम देना है तो हमने अल्काइल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स लिखना है, ठीक है, मीथाइल, और उसके बाद हम लिखेंगे अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कॉमन नेम आ गया मीथाइल अल्कोहल। और जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो उसमें हमने इस कार्बन को, जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच है उसको एज अ पेरेंट लेना है। ठीक है, और यहाँ पे तो चूंकि सिंगल कार्बन है तो ये मीथेन और OH साथ में अटैच है तो मेथानॉल इसको हम लिखेंगे। और नेक्स्ट अगर दो कार्बन का कंपाउंड आ जाता है तो कॉमन नेम में हमने पहले लिखना होता है जो आपका अल्काइल ग्रुप है उसको एज अ प्रीफिक्स ईथाइल, और पेरेंट में हम उस अल्कोहल मेंशन कर देते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नेम होगा ईथाइल अल्कोहल। और जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम लिखते हुए चूंकि ये दो कार्बन का ही कंपाउंड है तो ईथेन, और एंड पे हम इसके OL लगा देंगे। तीन कार्बन के कंपाउंड पे आ जाए तो ये प्रोपाइल अल्कोहल है, और जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये प्रोपेनोल है। ठीक है, फोर कार्बन के कंपाउंड पे आ जाए ये वाला, अगर आपके पास, अच्छा इससे पहले कि हम फोर कार्बन के कंपाउंड पे जाएं, थर्ड कार्बन के, तीन कार्बन का जो कंपाउंड है इसमें अगर आपके पास, यहाँ तो स्ट्रेट चेन थी, अगर आपके पास ब्रांच चेन आ जाए तो फिर हम इसको नेम कैसे देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यूँ ब्रांच बन रही है, तो जो कॉमन नेम होगा उसे तो हम लिख देंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच बन रही है और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे अगर स्ट्रेट चेन नहीं है, कहीं कोई ब्रांच आ जाए तो उसे हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, ये जो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे से फर्दर दो कार्बन के साथ है तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। और इसका जो IUPAC नेम है उसके लिए हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे जो कि हम पहले भी करते आए हैं, कि सबसे पहले जो है वो हम लॉन्गेस्ट
चेन को सिलेक्ट करेंगे, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, या वो टर्मिनल्स पे हो या वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हो। तो यहाँ पे आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई सिंगल नंबर पे, फिर हम उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और नंबरिंग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं उस साइड से जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट OH जो है वो करीब पड़ता हो, लोएस्ट नंबर पे आता हो। तो इस केस में तो आप इधर से स्टार्ट करें, आप इधर से करें, सेकंड पोजीशन पे ही OH आएगा। तो जब हम इसका नेम लिखेंगे तो नेम लिखते हुए हम सबसे पहले नंबर मेंशन कर देंगे जहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, 2, फिर उसके बाद हाइफन, और फिर पेरेंट नेम के साथ OL लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2-propanol, प्रोपेन ओल, OL लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2-propanol। इसी तरह अगर आपके पास 4 कार्बन का कंपाउंड आ जाता है, जैसे कि ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, और OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो भी आगे से सिर्फ एक ही के साथ अटैच है, वो आगे से जिसके साथ मर्जी हो वो प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, और इसका नेम जो होगा, कॉमन नेम अगर आप लिखेंगे तो वो होगा ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। और जब हम IUPAC नेम की बात करते हैं तो फिर पेरेंट नेम ब्यूटेन है, 1 पोजीशन पे OH है मत लिखें, 1-butanol लिख दें वो भी ठीक है, 1 ना लिखें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसमें ब्रांच बना दें इस 4 कार्बन के कंपाउंड में तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और जब IUPAC सिस्टम में जाएंगे तो फिर हम इसकी नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन से ज़्यादा की नहीं आती, तो लॉन्गेस्ट चेन में पोजीशन देख लें, 2 पोजीशन पे OH भी है और 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है। तो हम जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिख लेंगे, उसके बाद OH की पोजीशन मेंशन करके पेरेंट नेम में OL लगा देंगे, तो इसका नेम होगा 2-methyl-2-propanol। ठीक है, जो OH है ना उसको हम पेरेंट नेम के साथ OL के तौर पे मेंशन करते हैं। तो यूं हम जो है ऐसे अल्कोहल्स जिनमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, मोनोहाइड्रिक हैं, उनको हम इस तरीके से नेम देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऐसे अल्कोहल्स जिनमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो इसको हम डायहाइड्रिक बोलते हैं, 3 हो तो इसको हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलते हैं। तो अगर आपके पास 2 OH मौजूद हैं और 2 कार्बन के साथ हैं तो आप इसको नंबरिंग इधर से करें फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका नेम होगा ईथेन 1,2-diol, इसको हम 1,2-ethane-diol भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। इसी तरह इसका कॉमन नेम ग्लाइकोल है। फिर नेक्स्ट जो है ये हमारे पास CH2 के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो इसको हम नंबरिंग इधर से करें फ़र्क नहीं पड़ता, 1,2,3, 1,2,3, तीनों पोजीशंस पे OH मौजूद हैं, तो इसका नेम होगा 1,2,3, 3 कार्बन का कंपाउंड है तो प्रोपेन ट्रायोल, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, और इसका नेम होगा कॉमन ग्लिसरॉल। यहाँ तक हमने डायहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक को कर लिया। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, OH तो मौजूद है ही है, उसके साथ डबल बॉन्ड भी मौजूद है, तो इसको हम नेम किस तरह से देंगे। इसके लिए हम प्रेफरेंस ऑर्डर को देखेंगे, OH जो है उसका उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन के, प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप्स का, जो कि हमने बेंजीन में भी किया था। तो नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमारा प्रायर नंबर पे आ रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो OH का चूँकि प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, और जब ये चूँकि 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ये ब्यूटेन है। अब हम इसको नेम कैसे देंगे, अब इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पोजीशन पे, तो हम इसको लिखेंगे 2-butene और फिर 1-ol। तो इस तरह से हम अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक को नेम्स देते हैं, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए तो हम उनको नेम देते हैं।
अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे नॉमनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे फिनोल्स क्या है। तो फिनोल्स जो हैं बेसिकली जो बेंजीन रिंग होता है उसके साथ जब डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है तो हमारे पास फिनोल बनता है। ठीक है, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला है हमारे पास C6H6। इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें और उसकी जगह OH को ऐड कर दें तो ये हमारे पास फिनोल बनता है। ठीक है, अब ये फिनोल का हमने स्ट्रक्चर लिखा है। अल्कोहल्स की तरह फिनोल्स भी मोनोहाइड्रिक भी हो सकते हैं, डाईहाइड्रिक भी हो सकते हैं और पॉलीहाइड्रिक भी हो सकते हैं। तो ये जो फिनोल है इसका कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फिनोल्स मौजूद हों तो हम फिनोल के ऊपर OH के अलावा और भी सब्सटिट्यूएंट्स आ जाएं तो हम इनको नेम्स कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे कंपाउंड्स देखते हैं जिनमें जो कि डाईहाइड्रिक है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये बेंजीन रिंग है, इसमें जब एक OH अटैच हुई तो ये फिनोल बन गया, साथ में जब दूसरी OH आ गई तो अब हमने इसको नेम देना है। ये OH यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वहाँ से उस कार्बन को हम नंबर वन का नेम देंगे, वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और नंबरिंग करते हुए हम इस साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स पोजीशन पे OH आएगा, नंबरिंग हम इधर को लेके आएंगे ताकि हमारा जो OH सब्स्टिट्यूएंट है ये लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आए। तो हम इसको लिखेंगे 2-hydroxy के 2 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, 1-2-dihydroxy 1 पोजीशन पे भी है 2 पोजीशन पे भी है, तो इसका नेम होगा 1-2-dihydroxy और फिर पेरेंट नेम हम बेंजीन को लिख देंगे। इट मींस कि जब हमने फिनोल्स का नोमेनक्लेचर लिखना है तो हमने जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ठीक है उनकी पोजीशन लिख के, पोजीशन नंबर लिख के उनको लिखेंगे और एज अ प्रीफिक्स, और फिर जो हमारा बेंजीन है उसको हम एज अ पेरेंट नेम दे देंगे। एक तो ये तरीका हो गया जिसमें हम लिखते हैं, दूसरा कॉमन नेम आ जाते हैं। हमें पता है कि अगर ये फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ OH मौजूद है और इस OH की वजह से ये फिनोल है, तो इसके साथ वाली जो पोजीशन है दिस इज़ ऑर्दो पोजीशन, नेक्स्ट मेटा है और ये पैरा है। तो अगर आपका नेक्स्ट OH जो है वो ऑर्दो पोजीशन पे मौजूद हो तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्दो हाइड्रोक्सी फिनोल, मेटा पोजीशन पे आ जाएगा तो मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल, फोर्थ पोजीशन में आएगा तो पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल। ठीक है, ये इनके कॉमन नेम्स आ गए। इसके अलावा भी जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल डाईहाइड्रिक फिनोल्स हैं इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं। जैसे अगर OH आपका सेकंड पोजीशन पे है तो इसको हम कैटिकोल बोलते हैं, अगर थर्ड पोजीशन पे है तो इसको हम रिसोर्सिनोल बोलते हैं, और अगर ये फोर्थ पोजीशन पे है तो इसको हम हाइड्रोकिनोन बोलते हैं। तो इस तरह से हम IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जब इसको नेम देंगे तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आए। ठीक है, इसके बाद ये तो वो केस था ना जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए, डाईहाइड्रिक आ गया। अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा, ये तो है ना एक बेसिक आपका पेरेंट फिनोल, कोई और अल्काइल ग्रुप आ जाए जैसे कि यहाँ पर CH3 है तो फिर हम इसको नेम कैसे देंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारा पूरा पेरेंट है। ठीक है, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम इस साइड से नहीं स्टार्ट करेंगे वरना ये सिक्स पोजीशन पे आएगा, हमें इस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो ये नंबरिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी, अब इसका नेम होगा 2-methyl phenol और इसका कॉमन नेम है ऑर्दो क्रिसोल। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप्स आ जाते हैं तो हम इनको किस तरह से नेम देंगे। अगर आपका नाइट्रो ग्रुप इस पोजीशन पे मौजूद है तो इसको हम बोलते हैं 2-nitrophenol। ठीक है, 1, 2 इस साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, 2-nitro और ये पेरेंट नेम आ गया आपका फिनोल। नाइट्रो को हमने एज अ प्रीफिक्स लिखा और फिनोल हमारा पेरेंट आ गया और नंबर हमने इसका मेंशन कर दिया 2
हाइफ़न नाइट्रोफिनोल, 3-हाइफ़न नाइट्रोफिनोल एंड 4-हाइफ़न नाइट्रोफिनोल। अब इनको हम अगर कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग लिखें तो ये जो ऑर्थो मेटा पैरा है ये कॉमन सिस्टम है नेमिंग का, तो उस हिसाब से यहाँ से ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा और ये पैरा, तो इसका नेम होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। और जब आपके पास 3 नाइट्रो ग्रुप आ जाएं, जैसे कि यहाँ पर 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, ठीक है, तो इसको हम नाम किस तरह से देंगे, 1, इसमें आप नंबरिंग जिधर से भी स्टार्ट कर लें, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका नेम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल और इसका कॉमन नेम है हमारे पास पिक्रिक एसिड। फिर इसके बाद लास्ट में ये एक एक्स्ट्रा हमने स्ट्रक्चर स्केच किया है जिसमें हमारे पास बेंजीन के साथ जो फिनोल के अलावा जो सब्स्टिट्यूट अटैच है वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इस केस में फिर हम इसको कैसे नेम देंगे, तो इस केस में फिर हम उस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर CHO मौजूद है तो OH और CHO इन दोनों को आप कंपेयर करें तो यहाँ से जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो एल्डिहाइड का है। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जब, और इसको नेम देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका नेम क्या होगा, नंबरिंग हम जो है ना इसकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर इसके लिए है, ये प्रायर नंबर पे आता है CHO एल्डिहाइड, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो हमारे पास नंबरिंग है वो हम यूँ नहीं करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबरिंग हमारी स्टार्ट होगी इधर से और वो इस साइड पे जाएगी ताकि जो हमारा OH ग्रुप है उसको हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर दें। तो यहाँ पे जो आपका नेम होगा दैट वुड बी 2-हाइड्रोक्सीबेंजलडिहाइड, ठीक है, इसको हम ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजलडिहाइड भी लिख सकते हैं और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम किस तरह से फिनोल्स को नेम देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। सबसे पहले हम देखते हैं ईथर्स क्या है। जब ऑक्सीजन 2 ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बना रहा हो तो हम इसको, ये खुद सेंटर में आ रहा हो और इसके साइड पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स हों तो इसको हम ईथर बोलते हैं। अब वो जो 2 ग्रुप्स हैं वो अल्काइल भी हो सकते हैं और वो एराइल भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ईथर्स की कॉमन नेमिंग में जाएँ तो हमारे पास सबसे पहला जो नेम है जिसमें ऑक्सीजन दोनों साइड्स पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स के, 2 यहाँ पे तो खैर सेम ग्रुप्स है ना, सेम ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है जो कि है मिथाइल, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप्स हैं। जब हम कॉमन नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको नाम देंगे तो हम जो साइड पे दोनों ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे, ठीक है, और लास्ट में हम जो है वो ईथर मेंशन करेंगे। तो इसका कॉमन नेम होगा डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। और चूंकि ऑक्सीजन की दोनों साइड पे जो 2 ग्रुप्स बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ अटैच हैं, वो दोनों सेम हैं, इस वजह से हम इनको सिमेट्रिकल ईथर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखें तो इसमें ऑक्सीजन एक फिनाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक मिथाइल के साथ, तो जब हम इसका नेम लिखेंगे तो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले हमने ग्रुप्स को लिखना होता है और उसके बाद हमने ईथर लिखना होता है। अब ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर हैं, इनको हम किस तरह से लिखेंगे, तो इनमें हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को। मिथाइल का एम फिनाइल के पी से पहले आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वाले ग्रुप को पहले लिखेंगे मिथाइल को, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली पी बाद में आता है, बाद में हम फिनाइल को लिखेंगे और फिर हम ईथर लिखेंगे, तो इसका नेम होगा मिथाइल फिनाइल ईथर। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखें तो ऑक्सीजन जिन 2 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बना रहा है वो दोनों ही फिनाइल हैं जो कि एरोमेटिक हैं, तो इनको हम एराइल ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा था कि ऑक्सीजन 2 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बना रहा होता है और वो अल्काइल भी हो सकते हैं जैसे कि CH3 और वो एराइल भी हो सकते हैं जैसे कि CA, ये जो फिनाइल ग्रुप है, तो इसका नेम क्या होगा, डाई फिनाइल ईथर।
इसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा ईथर आ जाए जिसमें ऑक्सीजन जिन दो ग्रुप्स के साथ मिलके बॉन्ड बना रहा है वो डिफरेंट है, तो हम अगेन अल्फाबेटिक ऑर्डर में उनको लिखेंगे। जैसे इथाइल का ई पहले आता है तो पहले हम इथाइल लिखेंगे, उसके बाद प्रोपाइल। अब याद रखें एन मीथेन नहीं होता, सिंगल कार्बन है, एन ईथेन भी नहीं होता क्योंकि इनमें चेन्स की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन प्रोपाइल के केस में हम एन लिखते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट चेन हो तो ये नॉर्मल होता है, और अगर इसमें कहीं ब्रांच बन रही हो तो हम उसे आइसो लिखते हैं। तो जब हम इसका नेम लिखेंगे तो नेम होगा इथाइल, क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है ग्रुप, देन आइसो प्रोपाइल ईथर, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें ऑक्सीजन के एक साइड पे इथाइल है और एक साइड पे आइसोब्यूटाइल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सॉरी आइसोब्यूटाइल है ना, ओके फाइन, हम यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है। तो ये एन प्रोपाइल ईथर की एग्जाम्पल आ गई और ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल ईथर की एग्जाम्पल आ गई। इसके बाद अब हम चलते हैं आईयूपीएसी सिस्टम पे। आईयूपीएसी सिस्टम में जब हमने नेम लिखना है तो हमने हमेशा जो ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे जो ग्रुप्स अटैच हैं उनको सबसे पहले हम देखेंगे कि उनमें से बड़ा ग्रुप कौन सा है। जो आपका बड़ा ग्रुप होगा जैसे कि ये, इसको हम एज अ पेरेंट लिखेंगे, ठीक है, और जो छोटा ग्रुप है उसको ऑक्सीजन के साथ मिला के अल्कोक्सी, जैसे अगर मीथेन है तो मिथाइल है तो मिथॉक्सी, ईथाइल है तो इथॉक्सी, एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक ईथर है, अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इसके दोनों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे। छोटे वाले ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को हम लिखेंगे मिथॉक्सी, और चूंकि ये लॉन्ग ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है हमारे पास इथेन, तो इसको हम इथेन लिखेंगे, तो इसका नेम होगा मिथॉक्सी इथेन। और इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये चार कार्बन है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन अटैच है और फिर साथ में CH3। अब इसमें ये ऑक्सीजन के एक साइड का ग्रुप है और ये पूरा ऑक्सीजन के साथ दूसरा ग्रुप अटैच है, ठीक है। इसको जब हमने नेम देना है तो इसके लिए हम नंबरिंग करेंगे, जो हमारी लॉन्ग चेन होगी उसमें हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से अल्कोक्सी ग्रुप करीब पड़ता हो, ठीक है। तो यहाँ से लोएस्ट नंबर पे आ रहा है 2 नंबर पे, इधर से नहीं करेंगे, यहाँ से वो 3 पे आ जाएगा, तो 2 नंबर पे आ गया हमारा अल्कोक्सी ग्रुप जो के है मिथॉक्सी, तो इसका नेम होगा 2, क्योंकि 2 पोजीशन पे है, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। फिर लास्ट हमारी जो ईथर्स की एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास ईथर में हमने एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड किया हुआ है, तो इसको हम किस तरह से नेम देंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये वाली है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक साइड पे ये अल्काइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे ये पूरे का पूरा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब ये छोटे वाला है अल्काइल ग्रुप तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलके बना देगा इथॉक्सी। अब हमने देखना है कि ये जो इथॉक्सी है ये किस पोजीशन पे मौजूद है, तो इसके लिए हम अपनी जो हमारा बड़े वाला ग्रुप है जो लॉन्ग चेन है उसकी नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ से 2 पोजीशन पे आ रहा था मिथाइल, लेकिन हम प्रेफर करेंगे इस साइड से नंबरिंग को क्योंकि यहाँ से ये 2 पोजीशन पे ईथर आ रहा है, तो ये 2 इथॉक्सी और 5 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो इसका नेम होगा 2 इथॉक्सी 5 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम ईथर्स को नेम्स देते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने 3 चीज़ों को कवर किया है, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स।